जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा दशम नभ साधन का। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था नतकाल साधन, और नतकाल की बात आप लोग कैसे निकालेंगे ये दशम नभ, मैंने आपसे बताया था कि जैसे लग्न सारणी लग्न साधन के लिए इष्टकाल अनिवार्य है, उसी तरह दशम के लिए नतकाल आवश्यक है। तो आज मैं आपको उसी विधि को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग दशम लग्न साधन करेंगे कैसे। तो दशम लग्न साधन करना आप लोगों को आना चाहिए, वो मैं बता दूँगा। और जो पलवा है चरखंड बनाना है, ये मैंने वीडियो बना रखी है पहले से, आप लोग देख लेना कि पलवा कैसे निकाली जाती है, चरखंड कैसे निकाले जाते हैं, चरखंड से फिर स्वादिष्ट माल कैसे निकाले जाते हैं, ये तीन वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, आप लोग देख लेना। अगर नहीं समझ में आती तो मुझसे कमेंट कर देना, मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूंगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती दोबारा पूछ सकते हैं। आज हमने उदाहरण लिया है इसी बच्चे का जो जन्म है 7 दिसंबर 1997 सुबह 7:30 पर, इष्टकाल 1:10 है, रात्रिमान 34:28 है, दिनमान 25:32 पर है, और इसका दिनांक कितना होगा 12:46, अयनांश है 23 अंश, 49 कला 27 विकला, स्पर्श सूर्य है वृश्चिक राशि में 21 अंश, 10 कला और 48 विकला, ये जा चुके हैं। तो ये तो है उदाहरण, हमको साधन करना है, मैं आपको साधन करना सिखा रहा हूँ। दशम लग्न साधन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, नतकाल निकालेंगे। नतकाल का सूत्र मैंने आपको बताया था, नतकाल के लिए इष्टकाल में से आप दिनार्ध घटा देंगे। तो यहाँ इष्टकाल कितना है, देखिए इष्टकाल आपको दिया है, इष्टकाल है 1:10, 1:10 आपने लिख दिया, और दिनार्ध आपका है 12:46, दिनार्ध आपका 12:46 है, 12:46 आपने माइनस करना है। अब ये ध्यान रखो कि जब इष्टकाल से ज़्यादा आपका दिनार्ध है तो समझ लेना कि वो पूर्वनत है। जब आपका इष्टकाल ज़्यादा है और आपका जो दिनार्ध है कम है तो समझ लेना वो पश्चिमनत है। तो ये पूर्वनत है, यानी कि मध्यान्ह से पहले ये समय जो है, जब इष्टकाल आपका कम है, इसका कम है तो इसका मतलब ये है कि मध्यान्ह से पहले यानी 12 बजे से पहले, एएम से पहले, जो एएम का पीरियड है उसमें इसका जन्म हो जाएगा। और जब पीएम में जन्म होता है किसी बच्चे के 12 बजे से लेकर अर्धरात्रि तक में, उस समय वो पश्चिमनत कहलाता है। और रात्रि 12 मध्यान्ह के बाद रात्रि 12 से लेकर के दिन के 12 तक का जो समय होता है उसको एएम कहते हैं, यानी पूर्वनत। तो ये चीज़ मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। अब साधन करना ही मैंने बताया है कि जैसे 1:10 था इष्टकाल, इसमें आप क्या करेंगे 60 घड़ी जोड़ देंगे, तो 60 और 61 हो जाएगा, 61:10 हो जाएगा, उसमें से 12:46 आप घटा देंगे। जैसे मैंने जोड़ दिया कि 60+1:10 यानी 61:10 हो गया, उसमें से 12:46 घटाया, 1 हासिल ले गए 60+70 हो जाएगा, 70 में से 46 गया 24, और 60 में से 12 गया 48। ये आपके 60 में से 12 गया 48 बचा आपको, 48 घटी और 24 पर ये आपके क्या आ गए, नतकाल। अब नतकाल को हम क्या करते हैं, पलाद पल में बना लेते हैं, क्योंकि तो साधन करने में गणना करने में आसानी हो जाएगी। तो 48 × 60+24 तो ये पलाद पल बन जाएगा। तो 48 को 60 से आप गुणा कर दीजिएगा, 24 जोड़ देना, तो ये आ जाएगा 2904, ये पूर्व नत के पलाद में ये नतकाल आपका निकल। इसके बाद आप क्या करेंगे, साइन सूर्य निकालेंगे। साइन सूर्य का सूत्र होता है कि साइन सूर्य में बनाने के लिए जो स्पष्ट सूर्य है उस पर अयनांश आप जोड़ देंगे तो आपका साइन सूर्य निकल आएगा। तो साइन सूर्य स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट सूर्य प्लस अयनांश, स्पष्ट सूर्य आपका आया वो दे रखा है 7 राशि 21 अंश 10 कला 48 विकला, 7 राशि 21 अंश 10 कला 48 विकला, उसमें आप अयनांश जोड़ दीजिए 23 अंश 49 कला 27 विकला, ये हमने इसमें जोड़ दिया। तो 8 7 15 के 5 8 7 15 और 6 4 2 6 ये 60 हो जाएगा। तो 8 7 15 है, 1 हासिल यहाँ जाएगा, 49 10 59 हो गया, 1 हासिल 60 हो गया, तो 60 में ये 0 0 हो जाएगा, 1 हासिल यहाँ चला जाएगा। तो 3 1 4 1 हासिल 5 2 2 4 4 में यहाँ 30 आप निकाल दो, 1 बचेगा यहाँ 15 हो जाएगा, और 7 1 8
तो सहन सूर्य आपके आ गया आठ राशि 15 अंश 0 बिगला 0 कला और 15 फिकला, ये आपका सहन सूर्य आ गया। जो सहन सूर्य का आपका मान निकले उसके से ये आपका समझिए ये सहन सूर्य है। तो हमें देखना है जो सूर्य जो है यहाँ धनु राशि में कितने अंश व्यतीत हो चुका है, व्यतीत कितना हो गया 15 अंश 0 कला 15 बिगला व्यतीत हो गया। मुझे भुक्तांश निकालना है, भुक्तांश क्या करोगे, एक राशि हम जानते हैं 30 डिग्री की होती है, 30 में से आप ये भुक्तांश आप घटा दोगे तो भोग्यांश निकल जाएगा। तो धनु की सहन सूर्य की जो भोग्यांश ज्ञात करने के लिए क्या करना है 30 माइनस भुक्तांश, ये जो भुक्तांश है इसको आप घटा देंगे। तो 30 में से ये 15 0 15 घटा दिया, 15 0 15 ने घटा दिया 30 में से, तो यहाँ से आप वहाँ से ले जाओगे तो ये हो जाएगा 60 में से 15 निकल जाएंगे 45, यहाँ बचेगा 59 आ जाएगा सीधा, यहाँ 29 में से 15 निकल जाएगा 14, ये आपका आया, ये आ गया आपका भोग्यांश, इसको कहते हैं भोग्यांश, ये आपका भोग्यांश। अब इस भोग्यांश जो भी आपका मान है इसको क्या करेंगे, यहाँ देखो धनुराशि, यहाँ क्या था सहन सूर्य हमारा किसमें, यहाँ धनुराशि में, तो धनुराशि का जो स्वादेशी मान है उससे आप इसको गुणा कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखो जो हमारी वैदिक किताबें हैं पुरानी वहाँ पर उन्होंने स्वदेशी नहीं दिया है, वहाँ पर लंकोदय दिया है, लंकोदय मान से आप गुणा कर दीजिए, जो धनुराशि का लंकोदय है चाहे उससे भी आप गणना करोगे तब भी यही आएगा, स्वदेशी बना करके आप लोग गणना करेंगे तब भी आपका आंसर वही आना है। तो यहाँ स्वदेशी बना लोगे तो जो आपका स्थानीय जहाँ बच्चे जन्म है वहाँ का निकलेगा, फिर आपको आगे संशोधन करने की आवश्यकता नहीं। तो स्वदेशी मान जो है धनु का 345 होता है उससे हमने गुणा कर दिया, जैसे बच्चे जन्म मेरठ में है तो मेरठ का हमने निकाल दिया था स्वदेशी मान 345 धनु का है धनुराशि का उससे हमने इसको गुणा किया, तो 345 × 45 ये हो जाएगा 15,535, इसे 345 × 59 ये आ गया 20,355 और 345 × 14 4,830 ये आ गया। ये तो तीनों को हमने जब गुणा किया आ गया, लेकिन ध्यान रखो कि हमने अभी देखा था कि हमने ये अंश कला बिगला लेते हैं, तो जब हमने 345 गुणा तो पलात्मक बनाना है, इसको क्या कि हमने 60 से इसको भाग किया, 60 से बड़ा भाग करने के बाद जो आपका लब्धि होगी वो अगले में जुड़ जाएगी और शेष जैसे हमने 60 से इसको भाग किया, 60 से हमने 15,565 को भाग किया तो लब्धि जो आई 258 आई, उसको हम इसमें अगले वाले में जोड़ देंगे और जब फिर 60 को जब आप भाग करेंगे किससे, हमने बताया कि 60 से जब हमने 258 को गुणा किया तो 15,480 आया और 15,525 में से 15,480 घटा 45 हो गया। इसी प्रकार फिर हमने इसको 245 को जो लब्धि यहाँ से आई मिली है उसको हमने इस कला में जोड़ दिया था, तो 8,513 5,510 81,611 235 81,611 0×0 2×2 ये मान आ गया। इसको फिर हमने क्या किया, फिर 60 से इसको भाग किया, जब 60 से हमने इसको भाग किया तो जो हमको लब्धि मिली वो मिली 245, फिर 245 को आप जब 60 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20,580 2,613 में से 580 घटा दोगे तो आप 33 आ जाएगा, या आपको 45 मिले या 33 मिले, लब्धि आपको मिलेगी 343 343 आप इसमें जोड़ दीजिए तो 3×3 रहे 4×3 7 8×3 11 का 1 और 4×1 5 यानी 51,53 यहाँ से 33 मिलेगा 45 मिला, ये आपको प्राप्त हो गए। इस तरह से साधन किए जो अभी लब्धि यहाँ प्राप्त हुई आपको और जो भाग देने के बाद जो ये प्राप्त हुआ है इसको क्या करना है 30 से भाग कर देना। 30 से जब आप भाग करेंगे तो 30 से हमने जब इसको भाग किया 51,73 को हमने भाग किया तो हमको जो प्राप्त हुआ 51,73 को 30 से हमने जब भाग करेंगे आप लोग तो आपको लब्धि प्राप्त होगी 172, फिर 172 को आप 30 से गुणा करेंगे 51,60 आपको प्राप्त होगा, 51,60 हमने माइनस कर दिया
51 महीने किए तो 3 के 3 आएंगे, 6 7 13, फिर जो 13 का बचा 13 × 60 प्लस ये 33 करने पे 813 आपका हो जाएगा। उस 813 को फिर पुनः 30 से भाग करेंगे, 30 से जब हम भाग करेंगे तो आपको लब्धि कितने मिलेंगे 27। तो ये 27 को फिर क्या करेंगे आप, 27 को हमने गुणा किया 27 × 30 हो जाएगा, 27 × 30 जो हमको शेष यहाँ से मिलेगा उसको हम फिर 60 से गुणा करेंगे, 60 से गुणा करने के बाद फिर 45 उसमें जोड़ देंगे, वो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी 1665। 1665 को फिर पूरा 30 से भाग करेंगे, जब 30 से हम भाग करते हैं तो उसको लब्धि क्या प्राप्त हो जाएगी 55। इस प्रकार जो भोग पलाद हमको प्राप्त हो गए 172 27 55, इसको क्या कहते हैं भोग पलाद, ये हमको प्राप्त हो गया। ये जो भोग पलादी हमको प्राप्त हुआ है इसे हम क्या करेंगे, जो हमारा नत पलादी है, ये नत पलाद हमने कहाँ निकाला था, ये पहले मैंने कहा नतकाल निकाला, नतकाल को हमने पल में बना दिया था 29 04 में से आप 172 27 55 ये माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, इसे घटाने से जैसे 29 04 00 आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा 60, 60 में से 55 गया 5, यहाँ बचेगा 59 में से 27 जाएगा आपको 32 बचेगा, और यहाँ हासिल आप ले गए तो यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया 1, यहाँ से हासिल ले गए 10 में से 7 गया 3, 28 में से 1 गया 27, ये आपका मान निकल किया गया 273 31 32 5। नत पलाद घटाने के बाद आपका ये मान आया, नत पलाद में से आपका भोग पलाद घटाने से ये मान आपका, ये ध्यान रखिए कि जो ये मान आया इस मान को हमने देखा क्या है, हमारा जो ये साइंस हुई है किसमें है धनु राशि में, तो धनु राशि से जो अगला धनु राशि से जो अगली राशि है वो कौन है, मकर राशि। मकर राशि का जो स्वदेशीय मान है जो आपने अपने स्थान का बनाया हुआ है स्वदेशीय मान से गुणा कर दीजिए, या आप लंकोदय से कर रहे हैं तो वहाँ लंकोदय वाले से भी गुणा कर सकते हैं, पहले आपने धनु का लंकोदय लिया उसके बाद मकर का जो लंकोदय मान आपका आएगा उससे अपने गुणा को उसमें से माइनस करें, सो ये जो मान है उसमें से मकर का जो माइनस कर दीजिएगा, जब जहाँ तक ये माइनस होता जाए वहाँ तक आप माइनस करेंगे, जब ये नहीं घटे जब लंकोदय मान जो स्तर जो ग्रह राशियों का नहीं घटता है वो समझ लो अशुद्ध राशि आ जाएगी, फिर उसको 30 से गुणा करना, फिर आगे मैं विधि बता रहा हूँ क्या करना है, कि जैसे 27 31 में से 301 हमने घटा दिया तो क्या बचा यहाँ पे 24 30 32 5, ये हम करके बाद अगली राशि कौन होगी कुंभ। लेकिन एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए कि जब हमने ये जो गणना करी है ये गणना हमने किससे करी है, भोग्यांस, अगर हम भोग्यांस से गणना कर रहे हैं तो जो आपका साइन ये जो साइन सूर्य है जैसे धनु राशि का है, धनु के बाद अगली राशि आपने मकर ली, मकर कुंभ मीन मेन हर इस तरह से सीरियल से चलना है, लेकिन कहीं आपने भुक्त से गणना कर दी डायरेक्ट यहाँ जो गणना है जो आपका भुक्तांश आएगा भुक्तांश आपको जो प्राप्त हुए हैं अगर आप भुक्तांश से करते हैं जैसे धनु के साइन ये भोग्यांश से ले लिया जो भुक्त अंश है भुक्त अंश मैंने बताएगा ये भुक्त अंश है आपके 15 degree 05, अगर आप इसी को ही लेके गणना शुरू कर देते भुक्तांश को ही लेके गणना शुरू कर देते फिर आप क्या करते हैं कि मीन राशि जैसे मीन है कुंभ है मीन है, अब जैसे यहाँ धनु था धनु का था तो उसके धनु के बाद क्या आ जाता, धनु के बाद आता वृश्चिक, तो यहाँ मकर से नहीं गुणा करते फिर आप वृश्चिक से आ जाते हैं, अगर आप भुक्त के करें तो यहाँ धनु की जगह फिर आपको वृश्चिक का जो लंकोदय मान है या स्वदेशीय मान है उससे आप गुणा कर माइनस करते उस तरह से फिर माइनस करते नीचे की तरफ पहले धनु फिर वृश्चिक फिर तुला फिर कन्या फिर सिंह इस तरह से आपको करते, लेकिन यहाँ आप भोग पलाद से कर रहे हैं तो भोग पलाद में आप क्रम से ऊपर को चलना है, तो यहाँ मकर के लिए उससे माइनस किया हमने, फिर उसके बाद अगली हमने ले ली स्वदेशीय मान कुंभ का स्वदेशीय मान जो मेरठ का हमने लिया है वो 246 है, जब लोग साधन करेंगे तो निकाल लीजिएंगे, तो 246 हमने इसमें से माइनस किया तो 10 में से 6 गया 4, 13 में से 4 गया यहाँ बचेगा आपको 12, 12 में से 4 जाएगा 8,
और यहाँ से आपने हासिल किया था तीन, तीन में से दो गया एक, दो खाली। तो जी 21, 84, 32, 5 फिर हमने मीन का, जमीन का स्वदेशी मान है उससे घटाया, आप चाहे स्वदेशी मान लीजिए चाहे नंकोदय मान, आपको बार बार बता रहा हूँ, उससे आप घटाते जाएंगे। अभी हमने 212 घटाया मीन के, तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से गया 7 और 21 में से 2 गया 19, यानी 1972, 32, 5 फिर मैंने मेज कर लिया, मेज का जो स्वदेशी मान हो गया 212, तो 2 में से 2 गया 0, 7 में से गया 6, 19 में से 2 गया 17। फिर हमने ब्रिज का जो रंग को स्वदेशी मान था उसको लिया, उसको माइनस किए, तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1 और 17 में से 2 गया 0। फिर हमने अगला सत्र किया मिथुन का लिया, मिथुन का जो लंग स्वदेशी मान है, स्वदेशी मान 301 है इस स्थान का, उसे माइनस किया, 4 में से 1 गया 3 और गया 1 का 1 किया जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 1 का 1 यानी 1213, 32, 5 आ गया। मिथुन कर्क राशि आती है, कर्क राशि का जो स्वदेशी मान 345 उसको हमने माइनस किया तो 668 आ गया। अब 668 आ गया, फिर उसमें से हमने सिंह का जो लंग को स्वदेशी मान उसको घटा दिए 352 को, तो 6 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6 और 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 3 गया 5, ये हो गया। लेकिन ये भी ज़्यादा है। फिर कन्या का हमने लिया, कन्या का जो मान था 344, 344 जो 516 से घटाया तो 172, 32, 5 ये जो है अशुद्ध राशि। अब देखो क्योंकि इसके बाद जो राशि आई कन्या के बाद तुला आएगी, तो तुला का मान जो है वो ज़्यादा है, वो इसमें से घटेगा नहीं, तो ये कहते हैं ये अशुद्ध राशि हमारी तुला की, ये तुला की ये अशुद्ध राशि हमारी आ गई। अब जो तुला की अशुद्ध राशि आ गई है, अब इसको हमें आगे जो तुला की अशुद्ध राशि है इसको मैं आगे करना बता रहा हूँ। आपको हमारा मान निकल गया है तुला के 172, 32 और 5। हम इसका साधन करते हैं 72, 32, 5 जो हमारा मान आया इसको हम क्या करेंगे, जब नहीं घटता है तो इसे अशुद्ध मान या शुद्ध राशि मानी जाती है, तो इसको हम क्या करेंगे 30 से गुणा, जो भी आपकी शुद्ध राशि है उसको बाद में लास्ट में आप क्या करेंगे 30 से गुणा। 30 से हमने गुणा किया, 30 × 5 150 हो गया, 30 × 32 960, 30 × 172 5126। ये जो राशि है इसको हम क्या करेंगे, जैसे हम करते आए इसको पहले 60 से भाग करेंगे, तो 60 × 120 निकल जाएगा, जो लब्धि आएगी हम इसमें जोड़ देंगे, 960 लब्धि दो आई, ये 962 हो जाएगा और यहाँ 120 150 में से 120 माइनस हो जाएगा, तो ये 30 बचेगा, तो लब्धि हमने यहाँ जोड़ दी। अभी जो 962 है इसको पुनः हम क्या करेंगे, इसको हमने भाग किया 60 से, 60 से हम भाग करेंगे तो लब्धि हमको कितनी मिलेगी 16, 60 से 962 को भाग करेंगे 16 से, भाग करेंगे 60 से 62 को, सब 60 से हमने भाग किया तो लब्धि हमको 16 मिली। ये जो 16 लब्धि मिली जब उसको हम 60 से गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 960, 960 जब माइनस करेंगे इसमें तो लब्धि हमको 2 प्राप्त हो जाए, जो शेष बचेगा यहाँ 2 आ जाएगा, 2 कल आ जाएगा, इस तरह सब गुणा कर लीजिएगा। अब हमने 16 इसमें जोड़ दिया था, 6 × 6, 6 × 7, 6 × 7, 1 × 1, 5 × 5 यानी 51, 72, 29 ये आपके आ गए, ये मान आपको निकल के आया। इससे उसको हम क्या करना है, हमें भाग करना है किसके, जो हमारी अशुद्ध राशि, आज अशुद्ध राशि कौन सी थी तुला, हमने यहाँ देखा कि तुला तक कन्या तक हमारे स्पष्ट हो गया, स्पष्ट घटता गया लेकिन तुला पे नहीं घटता था, इसको अशुद्ध राशि, तो तुला का जो स्वदेशी मान है, तुला का स्वदेशी मान हमारा जो हमने निकाला था मेरठ का वो था 344, तो 344 हम इसको भाग करेंगे तो आपका स्वदेशी मान तुला का आएगा। स्वदेशी मान ले रहे हो चाहे लंकोदय मान आप ले रहे हैं तो आप लंकोदय के द्वारा भी कर सकते हैं गणना, आपको जैसे चाहे, चाहे स्वदेशी मान से कर लीजिए चाहे लंकोदय मान, तो आपका लंकोदय मान आ जाएगा
तुला का, उससे भी आप भाग कर सकते हैं। तो तुला के जो अंक होते हैं उससे भाग करिए, हम स्वदेशी लेके चल रहे हैं, 924 मान 344 है, उससे हमने इसको भाग किया। जब हमने इसको भाग किया 344 से, तो 344 को 5106 में भाग किया तो ये किया गया 15 बार। कैलकुलेटर द्वारा आपको कैलकुलेशन कर लेना, तो ये 15 टाइम जाएगा। तो 15 को जब हम 60, 15 को गुणा करेंगे जब 344 से, तो 51 60 आ जाएगा। तो 51 76 में से 51 60 निकल गए, तो आपके 16 बचे। उस 16 × 60 प्लस 2, ये 2 जोड़ दीजिएगा, ये 2 जोड़ लोगे आप तो ये हो जाएगा 962। इस 962 को पुनः 344 से भाग करेंगे। 344 से हमने भाग किया तो हमको लब्धि प्राप्ति हुई 2। दो बार गया तो 344 को दोगुना करोगे 688 हो जाएगा। तो 962 में से 688 निकल गया 272। अब ये 272 × 60 प्लस 30, इसका जो मान आएगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, 272 × 60 प्लस 30, उसको आप पुनः 344 से आप भाग करेंगे तो आपको जो भागफल आएगा, जो लब्धि आपको प्राप्त होगी, वो 47 प्राप्त होगी। अब तो हमने आपको बता दिया कि जब इस तरह से आप गणना करेंगे, इसको आप भाग करेंगे तुला के जो आपके स्वदेशी मान से अपने भाग किया, हमको जो अंसारी प्राप्त हुए तुला के, वो हो गए 15 अंश 2 गला 47। ये तुला के अंसारी हमको प्राप्त हुए। अब तुला के अंसारी हम जानते हैं तुला की राशि की जो लास्ट है क्या, लास्ट गणना क्या होती है, क्योंकि 7000 के बाद क्या है, ये वृश्चिक राशि की शुरुआत है और ये तुला की समाप्ति पॉइंट है। तो जो तुला का समाप्ति पॉइंट है उसमें से आप इसको घटा दीजिए। तो हमने अगर 15 अंश 2 गला इसको घटा देते हैं तो यहाँ से हमने हासिल किया तो 60 में 47 जाएगा 13, यहाँ बचेगा 59 में से 2 गया तो 57, यहाँ हमारा 29 बचेगा, 29 में से 15 जाएगा तो 14, यहाँ बचा 6 बचेगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये जो आपका मान आया इसमें से अयनांश घटा देंगे, ये अयनांश फिर आपने इसमें से अयनांश घटा देगा। अयनांश उस दिन का जो है जो 1997 का अयनांश है 23 अंश 49 गला 27 बिगला, यहाँ से उदाहरण देखेंगे तो यह हो जाएगा 73 में से 27 तक घटाओगे 46 आ जाएगा, और ये बचा आपका 56, और 56 में से 49 गया तो 7 बचा, यहाँ से भी अनासी लेकर गए ये हो गया आपको 30 और 14 44 44 माइनस 23 21 आपका गया, ये 6 में से 1 में अनासी ले कर 5 बचा, यानी 5 राशि 21 अंश 7 कला और ये 46 बिकला, ये आपका दसम लग्न स्पष्ट हुआ। तो इस तरह से मैंने बताया कि आपको लग्न स्पष्ट करना आना चाहिए। दसम लग्न नतकाल, जैसे आप लग्न साधन करते हो, जैसे हम लग्न साधन करते हैं इष्ट के द्वारा, सेम वही गणना है जो वैदिक विधि हमारी है, सेम वही विधि है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी विधि क्या है इसका, कि हम क्या कर सकते हैं कि जो सूर्य स्पष्ट है, ये जो सूर्य स्पष्ट है, जो सारणियाँ बनी रहती पंचांगों में दसम लग्न की, उसमें आप देखोगे तो 7/21 जब आप देखेंगे उसके नीचे, 7/21 के नीचे जो भी आपको लब्धि प्राप्त हो उसमें आप क्या करेंगे, नतकाल जोड़ देंगे। ये जो आपको नतकाल आया था मैंने सर गणना की थी, मैंने खो दिया है, वो आप देख लेंगे, नतकाल उसमें आप जोड़िए। तो नतकाल का जो योग होगा उसको पुनः सारणी में आप देखेंगे, तो सरणी के द्वारा जो पुनः आप देखेंगे तो जो राशि यहाँ सबको प्राप्त होंगे वो लगभग आपको यही प्राप्त होंगे। चाहे आप उस विधि से कर लीजिएगा सरणी के द्वारा, लेकिन उसमें लगभग समय आता है, लेकिन आपको सटीक गणना करनी है, सही चीज़ सीखनी है, तो आप लोगों को ध्यान रखिए कि उदाहरण आपको मैंने बता दिया और कैसे नतकाल निकाला जाता है नतकाल के बारे में बता दिया आपको, और स्वदेशी मान आप लोगों को अगर निकालना सीखना है, स्वदेशी मान से गणना करना चाहते हैं गुरु जी, तो स्वदेशी मान हमने एक वीडियो बना रखी है पहले से, कैसे निकालते हैं गणना करते हैं, कैसे पलभा बनाई जाती है, कैसे चरखंड बनाए जाते हैं, फिर उसका कैसे स्वदेशी मान में साधन किया जाता है, वो सब वीडियो में बना चुका हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर वहाँ कोई दिक्कत है शंका है तो आप मुझे पुनः पूछ सकते हो, तो वो चीज़ मैं दोबारा बना दूँगा। तो ये लग्न का आपको बता दिया मैंने, दसम लग्न साधन कर दिया।
वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।